तो कैसे हैं दोस्तों? मैं समझता हूँ आप मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं रंजीत सिंह, ग्रीन इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। एक वृक्ष दस पुत्र समान। मैं आज अपने पिताजी की कुछ यादें शेयर करूँगा, क्योंकि आज के दिन ही 18/9/2020 को इस नश्वर संसार से हम लोगों को छोड़कर चले गए थे। मैं बता दूँ, पिताजी का स्नेह एवं माँ का प्यार आदमी को बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए अपने माँ बाप को प्यार एवं दुलार दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि आज आप जिस स्तर पर हैं आज उन्हीं लोगों की देन है। मेरे पिताजी का जन्म 1940 में मदरिया गांव में हुआ था। उस समय अंग्रेजों का उत्पात चरम पर था। हमारे गांव में कुछ विद्रोही भी थे जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेज आया करते थे। मेरे गांव में अंग्रेजों का कप्तान 1942 में विद्रोहियों को पकड़ने के लिए आया था। उस समय गांव की पुरुष औरतें अपने सभी बच्चों के साथ को लेकर सरयू नदी के किनारे छुप गए थे। उस समय पिताजी 2 साल के थे। रामलख सिंह जिनका घर जला दिया गया था, अंग्रेज पूरे गांव को आग लगाने जा रहे थे, लेकिन उप कप्तान राज साहब ने वो अंग्रेज कप्तान से बोले, अपराध तो एक आदमी ने किया है, क्यों पूरे गांव को दंड दिया जाए। वो अंग्रेज कप्तान मान गया। इस तरह रामलख सिंह का ही घर जलाया गया, पूरे गांव आग लगने से बच गया। हम रामलख सिंह पूरी गोरखपुर के दक्षिणांचल के फेमस क्रांतिकारी थे। उनका नाम गोरखपुर गजेटियर में बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, और तत्कालीन सरकार उनके गांव को बिजली, जो भी प्रथम वर्षी में सुविधाएं आई थी, प्रदान की थी। मैं रामलख सिंह जी का जिक्र इसलिए किया हूँ, पिताजी उनके बहुत प्रिय थे, और जब बड़े हुए तो साथ ही वो लोग लोकल मार्केट में जाते थे, और उनको रामलख सिंह जी देश आज़ाद हुआ तो उनको पेंशन और नैनीताल में जमीन वगैरह मिला हुआ था, और स्थानीय लोग उनके अगल बगल 10-20 गांव में उनके बारे में कहावतें कहते हैं। तो मेरे पिताजी का प्रारंभिक शिक्षा बगल के गांव भरों में हुआ था। भरों एक अंग्रेजों का बनवाया हुआ जूनियर हाई स्कूल था, वहीं आसपास करीब 10-15 किलोमीटर बच्चे पढ़ने आते थे। पिताजी वहीं से ही प्राइमरी शिक्षा प्राप्त किए। उसके बाद उसके बगल में हमारे नदी कस्बा गोला बाजार पड़ता है, जो गोरखपुर के दक्षिण में सरयू के किनारे स्थित है। वहाँ पर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त किया, और वो ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए बीएचयू बनारस चले गए। उस समय बीएचयू पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऑक्सफोर्ड माना जाता था। ये बात 1964 की है, और उन्होंने वहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री लिया, इतिहास से मास्टर डिग्री लिया। और उस समय बीएचयू में छात्रों का बहुत तगड़ा यूनियन था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी बड़े जिलों का छात्र संगठन था, और छात्रगण अपने जनपदों का नाम रोशन करना चाहते थे। उसमें हमारे पिताजी भी थे। उन्होंने बीए फर्स्ट ईयर में क्लास रिप्रेजेंटेटिव कक्षा प्रतिनिधि के लिए पर्चा दाखिला कर दिया था, लेकिन जो अगल बगल गाजीपुर, जौनपुर, इलाहाबाद और गोरखपुर जनपदों के लड़के थे, वो आए उनके पास। एक बगल का जिला गाजीपुर पड़ता, वहाँ के कुछ लड़के आए। मदन गोपाल सिंह बोले कि राजेंद्र सिंह तुमको बैठ जाना है, हमारा पैनल इस बार छात्र संघ जीतेगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी वहाँ मंत्री हैं कक्षा रिप्रेजेंटेटिव। वो ये बात सुन लिए, फिर तुरंत तत्काल में जौनपुर के लड़कों का गैंग आया, वो बोले भाई राजेंद्र सिंह बैठना नहीं है, तुम गोरखपुर के हो। पिताजी बैठे नहीं, इलाहाबाद के लड़कों का जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव भारी मतों से चुन लिए गए थे, और लगातार 4 साल वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहे। वहीं से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री ली। अक्सर अपनी यादें हम लोग से शेयर किया करते थे, हम लोग जब छोटे थे तो सुनाते थे, बाद में भी अपने जो उनके नातीगण थे, पोतेगण थे, उनको भी सुनाते थे, तो बड़े मजे लेते थे। तो फिलहाल उनकी ये सब बातें आपको सुना रहा था, और उन्होंने उसके बाद वो गोरखपुर चले आए, और गोरखपुर आने के बाद उन्होंने बीएड में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया।
गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड किया, जबकि सारी सीटें फुल हो गई थी, उनकी एक सीट बढ़वाया गया था। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज देवबाग में अध्यापन कार्य शुरू किया और 2002 में रिटायर हो गए थे। आज ही के दिन 18 सितंबर 2020 को इस नश्वर संसार को छोड़ के चले गए। उनका फेवरेट गाना बहुत थे, लेकिन हाथी मेरे साथी का ये गाना अक्सर गुनगुनाते रहते थे। जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, दुनिया में बहसी कहते हैं से सारे, एक जानवर की जान इंसानों ने ले ली, बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना, बस खत्म है साथी ये खेल है अपना, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना।